आइए हम इस पाठ में परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा में निरूपण, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है और तुल्य परिमेय संख्याओं का निरूपण करना सीखेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर। हम प्रश्नावली 1.1 की सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें हमारा पहला सवाल पहला दिया हुआ है 2/3। 2/3 इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइन खींच देते हैं। और लाइन खींचने के बाद पहले हमको ध्यान देना है ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। जो संख्या जो दिया हुआ अपना धनात्मक संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जीरो बना देंगे। एक जो जीरो बनाएंगे, जीरो से हम लोग बाएँ तरफ संख्या रेखा बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दे दिए 1, 2 और 3, ऐसा संख्या रेखा बना दिए। अब इसका अपना नामकरण हो जाएगा। तो नामकरण क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3 नामकरण कर दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा पहला सवाल दिया है 2/3। 2/3 में कितना दिया हुआ है, हर में दिया हुआ है 3। तो हमको इस हर भाग को 3 भाग में बांट देंगे। जैसे 0 से लेकर 1 तक 3 भाग होगा। यहाँ पे हर में जो 3 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे हमारा हर को। जो हर में दिया हुआ है उसे संख्या रेखा पर 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड कर देते हैं 3 संख्या रेखा, 1 और 2। तो हो गया हमारे पास कितना, 0, 1, 2, 3। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 1, 2, 1, 2। इतना की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बतला दिया है कि ऐसा कर सकते हैं। इधर दाया तरफ, दाया पक्ष, दाया धनात्मक पक्ष है, ये धनात्मक पक्ष है, ये इधर धनात्मक पक्ष है, इधर धन ही रहता है। तो कर दिए। अब यहाँ पे गिनेंगे कौन सा भाग है इसका, 2/3 का दूसरा भाग। तो 0, 1, 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को बताने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, तीर का चिन्ह द्वारा चिन्हांकित कर देंगे। जो सवाल में दिया हुआ उसको लिख देंगे 2/3। ये हमारा क्या हो गया, पहले सवाल का संख्या रेखा पे निरूपण हो गया। अब अगला सवाल अपना दिया हुआ है उसको हल करते हैं। जो अगला सवाल में दिया हुआ है 5/9, तो 5/9, तो इसको भी हल करने के लिए सेम वही प्रक्रिया अपनाना है। लेकिन पहले सवाल और दूसरे सवाल में अंतर क्या है, ये धनात्मक था और ये क्या है, ऋणात्मक। हम भी यहाँ भी एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बना दिए। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो 0 ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमको ऋण तरफ जाना है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या से इसमें हम लोग दाएं तरफ आएंगे, दाएं तरफ आएंगे इसमें। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद ले लेंगे यहाँ पे 1, 2। अब यहाँ 1 और 2 ले लेते, अपना कितना हो जाएगा, ये 1 और कितना है, ये 2। 1 और 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 0 और 1 के बीच में क्या कितनी रेखा होगी, ऊपर में था 3, तो हम लोग 3 रेखा खींचे थे। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, उसके बाद 1/3 है, ये कितना हो जाएगा, 2/3, और ये क्या है, 3/3, ये 3 को काट दिए तो 1 हो गया। अगला जाएंगे देखें कितना हो जाएगा, 4/3, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 6/3, 3 × 3, 3 × 6, इस प्रकार आगे बढ़ते जाता है। तब अगला सवाल की ओर चलते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 से हम लोग दाएं तरफ जाएंगे। तो दाएं तरफ जाते हैं तो 0 से 1 के बीच में 9 रेखा होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ अरे नौ हो गया शून्य। एक बार फिर से गिन लेते हैं शून्य के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। बस हमको एक बात का ध्यान देना है कि हर में जितनी संख्या लिखी होगी हमको एक के बीच में उतनी रेखा दिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद दिया हुआ है पाँच, तो ये एक नहीं है, ये ऋण एक है। अरे कितना है ये, ऋण दो है। यहाँ भी अगर करेंगे तो यहाँ पे नौ रेखा दिखाना पड़ेगा। उसका शून्य से हम लोग गिनेंगे कौन सा भाग है ये, पांचवा भाग। तो शून्य से हम लोग पाँच कदम दाएं तरफ जाएंगे, शून्य एक दो तीन चार पाँच, ये हमारा पांचवा आ गया। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर सारे जगह नहीं है, नीचे तरफ लिख दे रहा हूँ, ऋण पाँच बटे नौ, ये अपना उत्तर हो गया। ये ऋणात्मक साइड में है इसलिए संख्या को जो भी लिखना है ऋण ऋण के पद में लिखेंगे, ऋण चिन्हों के साथ। अगला सवाल दिया हुआ है ऋण तीन बटे तेरह, तो ऋण तीन बटे तेरह को हल करते हैं। तो ऋण तीन बटे तेरह, ऋण तीन बटे तेरह, इसके लिए भी संख्या रेखा बना देते हैं। अब संख्या रेखा बनाने के लिए पहले जैसे प्रक्रिया है कुछ नहीं करना है, ये भी ऋणात्मक संख्या है इसलिए शून्य के दाएं तरफ यहाँ हो जाएगा शून्य, इधर हो जाएगा अगर करेंगे तो एक हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ तेरह, तो हम थोड़ा सा संख्या जो लेते हैं बड़ी संख्या ले लेते हैं बड़ा जगह, तो हो जाएगा यहाँ पे एक, यहाँ लिख दिए एक ऋण एक, इधर आ जाएगा ऋण दो। लेकिन इधर जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको इतनी में इसको हल करके दिखाना है। तो यहाँ पे कितना संख्या होगा, ये शून्य से एक के बीच में तेरह खाना होगा, शून्य फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अरे बारह तेरह, शून्य एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह खाना हो गया। उसमें कौन सा खाना है, तीसरा खाना। तो शून्य से दाएं तरफ तीसरा खाना, शून्य एक दो तीन, ये तीसरा खाना तीर द्वारा हम लोग चिन्हांकित कर दिए और लिख दिए ऋण तीन बटे तेरह। अगर इसको भी अगर लिखेंगे तो कितना है ये, एक बटे तेरह, ये दो बटे तेरह, तीन बटे तेरह, चार बटे तेरह, पाँच बटे तेरह, छः बटे तेरह, सात बटे तेरह, आठ बटे तेरह, नौ बटे तेरह, दस बटे तेरह, ग्यारह बटे तेरह, बारह बटे तेरह, फिर ऋण यहाँ पे आ जाएगा तेरह बटे तेरह, इसलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा तो अपना उत्तर एक आ जाएगा। अब अगला सवाल हमारा दिया हुआ है उसे हल करते हैं, ऋण सोलह बटे पाँच, ऋण दिया हुआ है सोलह बटे ऋण पाँच। इसे हल करने के लिए थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, जब संख्या ऊपर और नीचे कोई भी चिन्ह दिया रहता है तो हम लोग काट देंगे, हल करने से पहले क्या करेंगे इसको काट देंगे। तो हल कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण सोलह बटे पाँच को हम लोग लिख सकते हैं सोलह बटे पाँच, क्योंकि ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए काट दिए। अब संख्या रेखा बना दे रहे हैं, ये संख्या रेखा बन जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है इसमें क्या है, पहले जो भी सवाल बना उसका अंश छोटा था हर बड़ा था, तीनों सवाल में अंश छोटा था और हर बड़ा था। तो हमारा जो इस सवाल जो दिया हुआ है अगला सवाल इसमें क्या दिया है, हर को अंश को बड़ा दिया हुआ है, हर को छोटा दिया हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे इसको भाग कर देते हैं, एक बार सोलह को भाग कर दिए पंद्रह से, तो कितना बार जाएगा, पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह कर दिया घटा दिए एक आ गया। हम लोग इसको कितना लिख देंगे, कितना लिख सकते हैं इसको, ये परिमेय संख्या के रूप में है, इसको हम लोग लिख देंगे मिश्र भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, जो भाग ये भागफल आया तीन, तो हो जाएगा ऋण सोलह बटे पाँच बराबर कितना हो जाएगा तीन, ये वाला सामने वाला जो तीन है भागफल वाला ये सामने हो जाता है पूर्णांक, तीन पूर्णांक जो शेष बचता है उसको अंश में लिख देते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको लिख देते हैं हर में, ये हमारा यही वाला हर ही है ये कितना हो गया
पाँच पूर्णांक नहीं तीन पूर्णांक एक बटे पाँच, इसको गुणा करते हैं, तीन पचे पंद्रह और एक सोलह उसी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन पूरा है, तीन मतलब पूरा मतलब खाना है और एक कितना है पांचवा खाना, तो ये धनात्मक संख्या है इसलिए हम लोग शून्य से करते हैं। शून्य कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार, तो हमारा हो जाएगा एक दो तीन चार। तो तीन जो है पूरा पूरा है, मतलब यहाँ से एक दो तीन ये पूरे पूरे होंगे और इसमें क्या हो जाएगा एक खाना, इसको बीच में कितने खाने में बांटेंगे, हर में जो दिया हुआ है अपना पाँच, ये पाँच खाना में होगा, तो कितना हो जाएगा एक दो तीन, थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच, तो इसका पहला खाना हो जाएगा ये वाला नहीं है, पहला खाना हो जाएगा कितना हो जाएगा एक बटे पाँच, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा ये सोलह बटे पाँच। अगर इसको पूरा करके देख रहे हैं तो क्या होगा, शून्य एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच हो जाएगा, एक दो तीन चार और ये पाँच, जैसे यहाँ दिया सोलह, तो इसको हम यहाँ से भी गिनेंगे तो यही खाना पहुँचेगा शून्य के बाद, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये सोलह, तो इसको हम लोग यह लिख सकते हैं कितना, सोलह बटे पाँच भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है उत्तर है। अब ये प्रश्न नंबर एक लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब सवाल नंबर दो की ओर चलते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल नंबर दो है, संख्या रेखा पर निरूपित कर बतलाइए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अब हमारे पास जो दिया हुआ है संख्या तीन बटे पाँच और ऋण सात बटे आठ, इसको संख्या रेखा में दर्शा देते हैं। तो संख्या रेखा में दर्शाने के लिए पहले जैसे ही है, अब यहाँ पे बीच में शून्य ले लेंगे। जो पहला सवाल अगर समझ में आ गया है तो दूसरा सवाल को दिक्कत नहीं आएगा, शून्य ले लेते हैं। अब उसके बीच में एक दो तीन, ये धनात्मक पक्ष है इसलिए कितना हो जाएगा एक दो तीन, एक दो ऋणात्मक है इसलिए कितना हो जाएगा ऋण एक, अरे कितना हो जाएगा ऋण दो। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है पहले पद में तीन बटे पाँच धनात्मक संख्या, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको शून्य के दाएं तरफ जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे कितना, यहाँ दिया हुआ है पाँच, तो हम शून्य से लेकर एक के बीच में पाँच खाना बनाएंगे, एक दो तीन चार अरे पाँच, ये पाँच खाना हो गया, उसमें से तीसरा भाग, तो तीसरा भाग हो जाएगा शून्य के बाद एक दो तीन, ये तीसरा भाग हो गया तीन बटे पाँच। अब उसी प्रकार अगले सवाल के लिए चलते हैं, इसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है ऋणात्मक मिश्रण, ऋणात्मक तरफ लेंगे, यहाँ पे हर में दिया हुआ है आठ, इसलिए शून्य से लेकर एक के बीच में आठ खाना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गया, आठ का कौन सा भाग है सातवां भाग, तो शून्य से फिर गिन लेते हैं, शून्य एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो हमारा है तीर का निशान बना दिए और लिख दिए तीर सात बटे आठ, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो दोनों में कौन छोटी है अपने को बतलाना है छोटी संख्या, छोटी संख्या जो बतलाना है तो कैसे बतलाते हैं छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, हम लोग पाठ के शुरू में पढ़ लिए होंगे कि जो संख्या ऋणात्मक होती है वो संख्या धनात्मक से छोटी होती है, इसलिए ऋणात्मक संख्या छोटी संख्या हमेशा कैसे होती है दाएं तरफ होती है। जो हमारे यहाँ दिया हुआ है ये दाएं तरफ ही है इसलिए क्या है ये छोटी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे,
पाँच बटे तीन और दिया हुआ है ऋण 7/8। तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, चिन्ह डाल देते हैं, ये छोटा चिन्ह को दर्शा रहा है। इसमें क्या होता है, जिधर जो तीर का निशान रहता है छोटा मुंह छोटा को दिखाता है और खुला हुआ भाग दिखाता है बड़ा को, इसलिए क्या है 5/3 बड़ा है किससे, ऋण 8/7 से। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 8/7 ऋण 8/7 और दिया हुआ है 7/5। तो संख्या रेखा में प्रदर्शित कर देते हैं, संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए कुछ नहीं है, पहले जैसे ही हल कर देते हैं। ये हमारा संख्या रेखा में प्रदर्शन हो रहा है, बीच में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लंबा नहीं, थोड़ा सा बाकी सवाल से थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या है, पहले नंबर में अंश छोटा था हर बड़ा था, इसमें क्या दिया हुआ है, अंश हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो भाग करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बिना मिश्र भिन्न में चेंज किए भी हल कर सकते हैं, तो हम इसको बिना मिश्र भिन्न में चेंज किए हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, 1, अरे हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये 1 है ये 2 है, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -2। तो ये दिया हुआ ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तरफ है अंश में दिया हुआ 7 खाना, तो यहाँ से गिन सकते हैं ऋण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। यहाँ भी लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। खींचने में थोड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा है, लेकिन आप जो बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बराबर बराबर करने का, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें कितना दिया हुआ है, अंश में दिया हुआ है 7, हर में दिया हुआ है 7 और अंश में दिया हुआ है 8। तो शून्य से गिने कितना, शून्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गलत हो जा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 7 यहाँ पे होगा, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग 7, ये 1, 2 हो जाएगा, 2 है ये हो जाएगा कितना 1, 0 मतलब हमको 0 से लेकर 1 के बीच में 7 खान लाना है। गलती हो जाता तो नहीं काटेंगे हम उसी में सुधार देने से सुधर जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सुधर गया है अपना सवाल। तब यहाँ पे कितना दिया हुआ, अंश में दिया हुआ 8, यहाँ से गिन लेते हैं 7 और 1, 8 ये हमारा उत्तर हो जाएगा 8वां। तो लिख देंगे यहाँ पे ऋण 8/7 ये हमारा उत्तर है। उसी प्रकार अब 5 में चलेंगे, इसमें कितना खाना होगा, 5 खाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ये 5 हो गया। अब इसमें दिया हुआ 7 तो गिन लेते हैं यहाँ पे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 7/5। संख्या रेखा में प्रदर्शन हो गया। अब बड़ा छोटा दिखाना है तो पहले सवाल की तरह ही है, क्या है ऋण 8/7 और दिया हुआ है 7/5 इसमें क्या दिया हुआ है, ऋणात्मक संख्या जो इसमें ऋणात्मक संख्या इसलिए छोटी होगी और धनात्मक है इसलिए क्या हो जाएगा बड़ा, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे बड़ा छोटा का, ऋण 8/7 से बड़ा है 7/5 ये हमारा क्या है उत्तर है, ये अपना उत्तर बन के तैयार है। उचित चिन्हों के द्वारा चिन्हों से भरिए, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है 3/2 और यहाँ दिया हुआ है डब्बा,
पांच बटे चार। अब इसको हमको भरना है बड़ा छोटा और बराबर, बड़ा छोटा और बराबर भरना है। तो ये भरने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हर को देखना पड़ता है कि हर क्या है। इसका हर है दो है और इसका हर क्या है, चार है। जब समहर रहता है तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है। इसका हर क्या है अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें दो और चार का लसा निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं लसा दो और चार का, दो और चार का लसा कितना हो जाएगा, दो से भाग जाएगा, दो दो दूनी चार, दो एक, और यहाँ हो जाएगा एक। तो लसा कितना हो गया, दो और चार का दो गुणित दो बराबर चार, चार हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, समहर बना देंगे, समहर करेंगे, समहर करने पर। तो चलिए समहर कर देते हैं। तो दोनों का हर, समहर करने का मतलब क्या है कि दोनों के हर को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है चार, इसका हर चार ही रहेगा, और इसमें क्या दिया हुआ है दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चार बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दो का पहाड़ा पढ़ते हैं कि कितना बार पढ़ेंगे तो चार आएगा। तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, इसलिए दो को क्या करेंगे, इसके अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तीन गुणित दो बटे दो गुणित दो। यहाँ चार का पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार, एक बार चार एकम चार रहेगा, इसलिए यहाँ पर कितना लसा चार आया है, इसलिए चार का पहाड़ा पढ़ें कितना बार में चार आता है, एक बार में, इसलिए इसका गुणा कर देंगे, पाँच गुणित एक बराबर पाँच गुणित एक। अब कितना हो गया, तीन दूनी छः, दो दूनी चार, पाँच एकम पाँच, ये चार है, चार एकम चार। अब हमारा दोनों हर बराबर है। अब इसमें दिख रहा है बड़ी संख्या क्या है, छः, और ये क्या है पाँच, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, भरना है कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, बड़ी संख्या ये है, इसलिए हम डब्बा में भर देंगे ये चिन्ह को, इसलिए डब्बा में अपना चिन्ह आ जाएगा बड़ा का, तीन बटे दो बड़ा है पाँच बटे चार से। हम सवाल दो की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर दो है, कितना दिया हुआ है, ऋण छः बटे आठ, डब्बा बना हुआ है ऋण दो बटे पाँच। अब इसमें क्या दिया है, इसका भी हमको समहर करना है, तो समहर कर देते हैं इसको भी, हर अलग अलग दिया हुआ है, समहर करने पर। इसमें समहर करने के लिए कुछ नहीं है, अगले सवाल में क्या दिया था, दो का पहाड़ा में चार आता था, चार का पहाड़ा में दो आता था, इसलिए उसको लसा निकाल दिए थे। क्योंकि यहाँ पे आठ का पहाड़ा में पाँच नहीं आता है, पाँच का पहाड़ा में आठ नहीं आता, इसलिए इसको क्या कर देंगे डायरेक्ट लसा निकालने के लिए, दोनों का कितना हो जाएगा, आठ गुणित पाँच बराबर कितना हो जाएगा, आठ पंचे चालीस, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, चालीस, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं जो अभाज्य रहता है, तो अभाज्य कर दिए। अब इसमें क्या करना है, ऋण छः बटे आठ है और ऋण दो बटे पाँच, हम इसको सेम लिख देते हैं जो सवाल दिया हुआ है उसी को। सेम लिख देने के बाद क्या करते हैं, पहले पद में दूसरे पद के हर का, जैसे दूसरे पद के हर में कितना दिया हुआ है पाँच, तीसरे पाँच का गुणा कर देंगे, या क्या बोल सकते हैं, आठ का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो चालीस आएगा, आठ पंचे चालीस, इसलिए इसी पाँच को गुणा कर देते हैं, तो तुरंत आसानी हो जाता है, ये पाँच समझिए पाँच हो गया। अब दूसरे पद में क्या करेंगे, पहले पद का हर को गुणा कर देंगे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करना है, जो हमारा हर दिया हुआ 40, पाँच का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में आएगा 40, पाँच अट्ठे 40, इसलिए इसको आठ से गुणा कर दिए। अब गुणा कर दिए, छः पंचे 30 हो गया, आठ पंचे 40, ऋण है ऋण दो अट्ठे 16, आठ पंचे 40। अब हमारा क्या हो जाएगा, समहर प्राप्त हो चुका है, दोनों के हर समान हो चुके हैं, एक में दिया हुआ है ऋण 30 और एक में दिया हुआ है ऋण 16। तो अब इसमें बड़ा कौन होगा, ऋण 30 बटे 40, दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, ऋणात्मक संख्या जब रहता है तो उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब जो छोटी संख्या को क्या बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, बड़ी संख्या को छोटी, इसलिए हमारा ये ऋणात्मक संख्या ऋण 16 है,
अरे कितना है ऋण 30, तो 30 से 16 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये चिन्ह आ जाएगा, अरे वाला चिन्ह हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 7 को, सवाल नंबर 3 को मैं नहीं बना रहा हूँ, सवाल नंबर 4 को देख देते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है, इसे आप लोग 3 को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। ऋण 7, फिर डब्बा बना हुआ है, डब्बा बना दिए 3/7, ये तो अब इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, संभर करना है, तो संभर करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है, 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऋण 15/7 है, तो ऋण कितना है 15/7, ऋण ऋण को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15/7, ये कितना हो जाएगा 3/7, ये कितना हो जाएगा 3/7, दोनों का हर अब क्या है समान है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें लसन निकालने की आवश्यकता नहीं हुई, और स्पष्ट दिख गया ये 15 है और ये 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये बड़ा। अगर अंश और हर में दोनों में ऋण चिन्ह होता है तो उसको हम लोग धनात्मक संख्या में बदल सकते हैं या डायरेक्ट काट के भी हल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर। अब सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ऋण 10/3, डब्बा बना हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है ऋण 9। अब ऋण 9 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको संभर करते हैं, संभर करने पर संभर कर देते हैं, कितना हो जाएगा ऋण 10/3, और ऋण 9 को लिख सकते हैं 9/1, चूंकि क्या है 1/3, इसलिए इसका लस क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, लस बराबर कितना हो जाएगा 3 लिख दिए, तो 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 3 आएगा एक बार, इसलिए इसको 1 से गुणा कर देंगे, ऐसा 1 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो 3 आएगा 3 बार, इसलिए इसको 3 से गुणा कर दिया ऐसा, और दोनों का हर लगभग बराबर हो जाएगा 10 से कम 10, ऋण 10 हो गया 3, और 9/27, ऋण 27/3, दोनों का हर समान है। अब बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, पहले सवाल की तरह है, इसमें क्या है धनात्मक संख्या के जस्ट उल्टा होता है, जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, छोटी वाली संख्या बड़ी हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा बड़ा संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10/3 बड़ा है 27/3 से, ये हमारा आंसर है, ये उत्तर। हम सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं, दोनों परिमेय संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी छोटी पहचान करने के लिए बहुत ही पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्या करेंगे, जैसे ये जो दिया हुआ है ऋण 3/13, ये ऋणात्मक है और ये क्या है 7/13, ये क्या है ऋणात्मक है और ये क्या है ये धनात्मक है। तो क्या होता है, ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक से छोटी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा ये बड़ी हो जाएगा, 7/13 बड़ा होगा, मतलब एक नज़र में देख के बता देंगे कि अगर ऋण संख्या ऋणात्मक संख्या है तो क्या हो जाएगा ये छोटा और धन वाला बड़ा हो जाएगा। तो हमारा ऋण 3/13 से ऋण 3/13 छोटा है 7/13 से। और सवाल नंबर 2 में भी वही दिया हुआ है ऋण 4/3, तो इसमें क्या करेंगे, ये ऋण 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 दिया हुआ है तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/5, तब सवाल क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा 2/5 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक है, ये क्या है ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे डाल देंगे बड़ा का चिन्ह। अब अगला सवाल है 21/20 और ऋण 6/, इसको दिया हुआ इतना तो इसको लिख सकते हैं ऋण 6/1, तो इसमें बड़ा छोटा कौन सा है, तो बड़ा छोटा इसको भी हम लोग देख के आसानी से बदला सकते हैं, या तो अगर हल करना चाहेंगे
तो क्या हो जाएगा, संभर करेंगे, संभर करेंगे तो क्या होगा, इसका लॉस 20 आ जाएगा। अब 20 आएगा तो इसका गुणा 1 के साथ होगा, इसका गुणा 20 के साथ होगा। लेकिन ऋण 6 क्या है, स्वयं में क्या है, ऋणात्मक है, ये मतलब ऋण 6 है और 21 को हम लोग को 20 भाग हुआ है, 20 भाग में बांटना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, छोटा। फिर भी सहर करके देखते हैं, लसा करेंगे तो हम 20 का गुना हो जाएगा, 20 एकम 20, तो 20 का बारह किताब में पढ़ेंगे तो 20 आएगा 1 बार, इसलिए यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, ऋण 21 गुणित 1 बटे 20 गुणित 1, ये कितना हो जाएगा, ऋण 6 गुणित 20 बटे 1 गुणित 20। अब हमारा लसा बराबर हो जाएगा, 21 एकम 21, 20 आया हो जाएगा, 6 दुनी 12, ऋण 120 बटे 20। अब हमारा लसा बराबर है, अब देखें यहाँ पे ऋण 21 है और ये क्या है, ऋण 120, तो एक बड़ा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा, इसे हम यहाँ पे डाल देंगे बड़ा छोटा, ये बड़ी है इससे छोटी है, यहाँ भी इस यहाँ पे अलग अलग हर है। अगला सवाल है 7/9 और 3/7, इसमें क्या है, जो हमारा जो सवाल दिया हुआ है हर अलग अलग है, यहाँ पे 9 है और ये 7 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, संभर करेंगे। संभर कैसे करेंगे, इसका गुणा मतलब पहले पद के अंश में और हर में 7/9 में गुणा कर देंगे, दूसरे पद का जो हर है 7 का गुणा कर दिए यहाँ पे, इस 7 का, और दूसरे पद 3/7 के अंश और हर में क्या करेंगे, पहले पद का अंश का इस 9 का गुणा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा 7/49 और 9/63, 9 3 27, 9 7 63, दोनों का हर बराबर है, ये पद बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा का चिन्ह डाल दिए। अब अगला सवाल जो हमारा दिया हुआ है, सवाल नंबर 5, जो सवाल नंबर 5 जो है वो क्या है, सवाल नंबर 4 की तरह ही है, इसमें क्या दिया है, दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या छोटी है, मतलब छोटा को बदलाना है तो छोटा को बदलाना है, या तो हम लोग बड़ी को बदलना है या छोटी को बदलना है, सवाल सेम ही है, इसमें बड़ा पूछा था इसमें छोटा बता देना है, तो छोटा बताने के लिए वही प्रक्रिया है, क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5/1 और हो जाएगा 13/3, समर करेंगे 3 एकम 3, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 का गुणा, 5 3 15/3 कितना हो जाएगा, 13/3, तो छोटा कौन सा है, 13/3 छोटी है, इसलिए यहाँ ली देंगे छोटी। अगला सवाल दिया हुआ है दूसरा, 4/3/7 है, हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं, इसमें 4/6 और 7/3 है, इसमें क्या है, एक ठो में अंश हर में ऋण दिया हुआ है और एक ठो में अंश में ऋण दिया हुआ है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों ही समान है लेकिन हम क्या करेंगे, संभर करेंगे, जैसे संभर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में 6 आता है, 3 दुनी 6, इसलिए इसका जो लसक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 6 आएगा, 1 बार में, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दुनी 6, 3 का पहाड़ा में 2 बार में आता है, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, 3 दुनी 6, गुणा कर दिए, 4 एकम 4, 6 एकम 6, ऋण है, ऋण रहने दिए। अब अगला दिया हुआ है कितना, 7 दुनी 14, 3 14 हो गया, 3 दुनी 6, हमारा हल बराबर है, अब इसमें क्या को छांटना है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगी, जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या, इसलिए क्या होगी, छोटी संख्या, 14/6 छोटी है, ये हमारा क्या है, उत्तर है।